वहीं मोहन यादव के अमेठी दौरे को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधा है और कहा कि ये सिर्फ दिखावा हो रहा है, बीजेपी के नेता झूठे दावे करते हैं। ये जीतू पटवारी की तरफ से कहा गया। अमेठी की जनता सब जानती है पर्ची के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। स्मृति ईरानी के दावे फेल हुए, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं किया, ये जीतू पटवारी की तरफ से कहा गया। मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में जो 5 न्याय गारंटी की बात की थी वो पूरी नहीं हुई, और आदरणीय स्मृति ईरानी जी भी टंकी माथे पे ले लेके दौड़ रही थी, सर पे ले लेके दौड़ रही थी, वो गैस सिलेंडर भी 1100 का हो गया है। तो दोनों का झूठ है। तो मैं समझता हूँ अमेठी की जनता समझती है इस बात को कि एक पर्ची के मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी की पसंद, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के ही रहमो करम पे यहाँ तक पहुंची स्मृति ईरानी जी, जो प्रदेश और देश के सामने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करती है पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार में जब से कुछ नहीं करती। वही भोजशाला से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार आपको